क्रियाएं करो किस लिए करो, धर्म तो छोड़ो करो किस लिए, प्रश्न ये। क्रिया बहुत प्रयोजन से करो, बताए ना, धर्म की बात नहीं। वेदी है, साफ करो, साफ करनी करनी है ना, उसमें पुण्य की बुद्धि रखो ना धर्म की बुद्धि रखो, सिर्फ ये बुद्धि रखो कि भाई यहाँ पूजा कर दे, साफ सफाई होनी चाहिए। तो देखो आप कितना बदल गए, आपका मामला कितना बदल गया। आप गायब, अब आपको क्या है कि साफ होगी तो जबरदस्ती साफ नहीं करोगे, अंत समझ में। प्रक्षाल कितना करना कि भाई हो गया तो ठीक है, बस विराजमान करो, कोई बात नहीं मेरे से। अब ये मैं ही करूं, मैं ही विराजमान करूं जी, हटाग्रह ये सब क्या बताते हैं कि अंतरंग में इसमें भयंकर पुण्य बुद्धि बैठी, माने भगवान को यहाँ से वहां उठा के रखेंगे तो कुछ विशेष पुण्य बनेगा। अब जबकि ये भूल जाते हो कि भगवान उठते ही नहीं, एक बार बार भगवान उठते हैं रमेश जी, अरे बता दो रियल में भगवान उठते हैं क्या? कोई भगवान को उठा के यहां से वहां रखता है क्या? स्वधर्मेंद्र अरहंत भगवान को? तो ये तो भाई एक प्रतिमा है, एक व्यवस्था है, साफ करनी है तो वहां से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो जल डाल नहीं सकते। तो साफ करी दोबारा भैया, अब उसमें कितना बड़ा बना रखा यीशु, नहीं तुमने कितना बड़ा यीशु बना रखा कि उसके पैसे लग जाए विराजमान करने, है नहीं होता है कि नहीं? और फिर हमारे विद्वान जी ये विराजमान जो हमारे जी करेंगे, और मुझे बड़ी हंसी आती किसमें है क्या। लेकिन तो ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, इस बात का भी 2 मिनट क्यों दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, ये 2 मिनट इसलिए खर्च कर रहा हूँ कि तुम अभी भी उनमें धर्म समझते हो। धर्म माने पुण्य, धर्म तो नहीं समझते तो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें धर्म चाहिए ही नहीं। तुम्हें तो क्या चाहिए देवेंद्र जी? ये धर्म समझते हो, ये शब्द करेक्शन कर लेना आज से, तुम समझते तो पुण्य ही हो, तुम्हें भी पता है कि धर्म तो आत्मा से मिलेगा, लेकिन तुम्हें धर्म चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं धर्म का भ्रम भी नहीं है, धर्म चाहिए ही नहीं। पंडित जी हमें धर्म चाहिए कब है? हमने कब कहा प्रतिमा उठाने से धर्म होता है? तो क्या होता है? पुण्य होता है। और हमें क्या चाहिए? तो सारी कहानी हमारी पुण्य पेट की है। हम लोग जो ऊपर ऊपर बोलते हमें आत्मा चाहिए, बोलो रमेश जी क्या चाहिए? पुण्य के धर्म, हृदय पे हाथ रखो। अरे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? क्या चाहिए अरविंद जी? बड़े से बड़े विद्वानों की बात मत करो मेरे सामने, मुझे विद्वानों से क्या लेना देना, मैं तो अपनी बताओ ना, हम अपना ऑपरेशन करने बैठे हैं, अपन को अभी, अरे पुण्य अभी पुण्य चाहिए कि धर्म चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा तो इस बात का जवाब दो, क्या चाहिए? क्या चाहिए देखो, तो वो बोलो ना जो चाहिए, डर क्यों रहे? और अभी असलियत पता, बोल भी तुम इसलिए नहीं पा रहे हो कि तुमने आज तक खुद ही नहीं सोचा कि चाहिए क्या है। समझ में आया? ये तो वही वाली बात है कि हम कपड़े के मार्केट में घुस गए हैं और वहां दुकानदार कह रहे आओ जी, और हम कह रहे काय को आओ जी, हमें कुछ लेना ही नहीं है। अंत समझ में, ये बात पूरी कर लो, पकड़ में आया कि नहीं आया? तो हमें लेना नहीं, लेकिन अब कपड़े के मार्केट में बैठ गए तो क्या करें। अब कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कई चिपके ही जाते हैं बिल्कुल, तो अपन नहीं चाहिए तो भी घुस जाते, ला रहे भैया दिखा क्या है, अंत समझ में आया कि नहीं? और जबकि अंदर पूरा चल रहा है हमें कुछ नहीं लेना, पकड़ में आए? ऐसे ही वास्तव में तुम जबरदस्ती मंदिर में घुस गए हो, यहाँ तुम्हें लेना बहना कुछ नहीं है। फिर तुम जब यहाँ घुसे तो तुमने देखा, जैसे उस दुकान में देखा कि एयर कंडीशन लगा हुआ है, बाहर भयंकर धूप है, और अभी आधे घंटे मुझे कोई काम है नहीं, इसके टाइम पास नहीं समय, अपना टाइम पास निकल जाएगा, फिर अपन चले जाएंगे, कहते हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही मंदिर में घुस गए, आए तो किसी और काम से थे, फिर यहाँ तुमने देखा कि यार यहाँ तो बहुत प्रयोजन की सिद्धि होती है। एक तो ये लोग चिल्लाते पुण्य भयंकर बनता है, और पुण्य से क्या मिलता है? ऐसे कर लिया करो इससे पता चल जाता है क्या मिलता है पुण्य से, माल मिलता है, और हमें तो चाहिए माल ही है, एक बात। और दूसरी बात, मंदिर आओ तो लड़के बड़के की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, लोग बड़ा धार्मिक समझते हैं। तीसरा प्रयोजन ये हो जाता है कि समाज में इज्जत बन जाती है, ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत 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 बढ़िया हो जाता है। तो आपने ये प्रयोजन शुरू से देखे, फिर आप ये कह सकते नहीं, क्योंकि ये कहोगे कि हम इस प्रयोजन से आते हैं तो बहुत आफत हो जाएगी, ख्याल में। इसलिए फिर आपने एक धार्मिक चोला पहन लिया, फिर आपको किसी ने कह दिया, उसमें फिर बढ़ते चले गए आप, किसी ने कह दिया अरे अरे तुम स्वाध्याय बैठते हो,
नहीं स्वाध्याय में नहीं बैठते, स्वाध्याय में बैठा करो, स्वाध्याय में उससे ज्यादा पुण्य बनता है। किससे ज्यादा? पूजा से। अच्छा ऐसा क्या? चलो तो कल से स्वाध्याय बैठे। किसी ने कह दिया पारसनाथ का पूजन 100% किया करो भाई साहब, बहुत जरूरी है, चिंता मड़ी है नहीं, तो वो करने लगे। किसी ने कह दिया भाई साहब जो बिना पूजा प्रक्षाल के स्वाध्याय में बैठ जाता है उसको पुण्य, अरे तो चलो पूजा पाठ प्रक्षाल क्या कर, समझ में तुम्हारा सारा गणित कहाँ घूम रहा है? पुण्य पे। इसलिए आप अपने अंदर देखना, आपको कोई ये बता दे कि इस काम में ज्यादा पुण्य है। जैसे देखो आप दान कैसे देते हो, ए भैया दान दो, कंजूसी मत करो, ये दान नहीं दोगे तो अगले जन्म में भिखारी होगे, इस जन्म में भी जो पैसा कम है वो दान नहीं देने के कारण, तो लो भैया ले लो ले लो। तो ये धर्म के ये मैंने पुण्य भी कैसे हो सकता है, जो तो इन्वेस्टमेंट है भी, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेईमानी हो गई। ये तुम्हें तो तटराया धमकाया और तुम्हारी जेब से पैसा निकलवाया है, ये तो वैसे ही हो गया ना, तुमसे नरक आदि का भय दिखा के स्वर्ग आदि की चाह दिखा के अगले जन्म के सुख दुख बता के तुमसे खींच लिया और तुम खट से दे देते हो। तो अभी आपको जो मैं उठा रहा हूँ शुरू से प्रश्न, अभी उस पर चल रहा हूँ कि हमें भेद ज्ञान और आत्मानुभव करना क्यों जरूरी है, भेद ज्ञान और आत्मानुभव। क्योंकि देखो भाई हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। क्या कहा मैंने? हम आत्मा नहीं हैं, हम शरीर हैं, और हमने जन्मों जन्मों से अपने को शरीर रूप अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? शरीर रूप अनुभव करने के कारण हमें शरीर ही मिलते रहे, आत्मा नहीं मिला, हम अशरीरी नहीं हो पाए। अशरीरी सिद्ध भगवान अगर होना है तो अपने को शरीर रूप अनुभव करना छोड़ना है। ख्याल में आया? तभी तो अशरीरी हो गए, सिद्ध भगवान शरीरी नहीं है ना, अशरीरी है। तो अशरीरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने को शरीर रूप अनुभव नहीं, और जो अपने को शरीर रूप अनुभव नहीं करता वो ही अशरीरी होता है, और जो अपने को शरीर रूप अनुभव करता है उसे निरंतर शरीर मिलते रहते हैं बदल बदल के। पकड़ में आ गई? तो अभी तो बहुत सारे जीव, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म की बातें भी पुण्य के लिए सुन रहे हैं।